हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। आज मैं जा रहा हूँ डिंडीगढ़ मंदिर के इधर। एक शिव मंदिर है और एक्चुअली वो एक माउंटेन के टॉप पे है, तो उधर से व्यू तो बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। तो चलते देखते हैं कैसा है। आई होप आप सब जन सेफ और हेल्दी हो गए। अभी तो वैसे तो बहुत सारा केसेस बढ़ रहा है, जैसे पिछले टाइम भी मैंने बताया था। मास्क यू पहनते रहिए, सैनिटाइजर का यूज़ अच्छे से कीजिए, फैमिली का केयर करिए। आई होप सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। यहाँ पे कुछ गणेश घाट जैसे एक छोटा सा तालाब का लेक कुछ है, शाम के टाइम आने के लिए अच्छा है, बैठ के थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। शूटिंग भी चालू है कुछ। सराउंडिंग में ज़्यादा शॉप्स तो नहीं है आजू बाजू में, तो थोड़ा क्लीन और ठीक ठाक ही है। यहाँ से और शायद से और 20-25 मिनट लगेगा हमें पहुँचने के लिए। एक ब्रेक तो बनता है, तो शुगर केन जूस का स्टॉल्स तो दिखे, तो शुगर केन जूस लेते हैं अपन। बहुत ही मस्त मजा आया। चलो अभी निकलते हैं राइड पे। यहाँ से राइट साइड जाना है, यहाँ पे मंदिर का एक बोर्ड भी लगा है। यह एंट्रेंस बोल सकते हैं। अभी माउंटेन क्लाइंबिंग तो स्टार्ट हो गया, एक बोर्ड है जो बताता है कि एंट्रेंस अभी स्टार्ट हुआ है। रोड तो अच्छे है, नो डाउट आप कौन सी भी गाड़ी लेके आ सकते हो। रेनी सीजन के टाइम भी बहुत अच्छा रहता है, पूरा ग्रीनरी से भरा रहता है, तो सही है। एक तबेला था, एक जैसे जैसे ऊपर चढ़ते व्यू तो बहुत मस्त मस्त दिखता है। बस ये थोड़ा क्लाइंबिंग का टाइम गाड़ी का एक मूवमेंट एक अच्छे से रखना। ऑलमोस्ट गूगल में बता रहा है 2500 फीट ऊपर मंदिर है, तो व्यूज तो बहुत ही अच्छा है। थोड़े थोड़े प्लेसेस पे ऐसे बोर्ड लगाए हैं, जैसे अभी आपने देखा होगा वाइल्ड बर्ड्स है, जंगल कैट है। आप लकी हो गए तो देखने मिलेगा, नहीं तो मोस्टली तो ऐसे दिखते नहीं है। मुझे तो आज तक दिखे नहीं ऐसे किधर भी मैं गया हूँ। तो लेकिन ऐसे रोड पे गाड़ी चलाने में मजा आ रहा है। थोड़े बीच बीच में थोड़े खड्डे हो गए, लेकिन ठीक है, इतने हाइट पे इससे अच्छा रोड मिलना तो मुझे लगता नहीं कि सही होगा। ये रोड भी बहुत काफ़ी अच्छा है। हम लोग ऑलमोस्ट पहुँच नहीं आए, सनसेट का भी टाइम
होने आए, लेकिन आज थोड़ा क्लाउडी वेदर था तो सन इतना क्लियरली दिख रहा नहीं है। ये है ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट टॉप पे आ गए हम लोग। यहीं पे आपके व्हीकल जो भी आप बाइक कार जो भी लेके आओगे यहाँ पे पार्क करके फिर ऊपर की तरफ चढ़ना है। गाड़ी उस तरफ नीचे की तरफ रख के यहाँ से चल के जाना पड़ता है। ये स्टेप्स है, स्टेप्स कितने वो तो गिना नहीं, लेकिन मजा आया ऊपर तक जाने में। पूरा फिटनेस टेस्ट भी होता है अपना। तो चलो जल्दी जल्दी जाते हैं हम ऊपर। पहुंच गए मंदिर के सामने। यह है मंदिर का कुछ एंट्री का व्यू और ये टॉप पे से ऐसा कुछ दिखता है। मंदिर तो वैसे तो पूरा खाली है, ज़्यादा कोई आते नहीं है, बहुत ही शांत प्लेस है, एक अलग सा एक पीस और एक शांति का फील होता है इधर। वैसे तो मंदिर चर्च मस्जिद गुरुद्वारा सब जगह पे आप जाओगे तो आपको एक अलग ही फील होता है, एक पीस का और कुछ अलग ही पावर जैसा एक फील आता है। वैसे तो सब जगह पे एक ही बात सिखाते, इंसानियत और अच्छाई करते रहो। यह है मंदिर का बैक साइड से व्यू। मंदिर के ऊपर भी जाने को मिलता है तो मैं आ गया मंदिर के ऊपर के साइड पे, एक ऐसा स्लैप है उधर ही बस, तो वहाँ से भी कुछ व्यू आप देख सकते हो ऐसा। यहाँ से मोस्टली सनसेट का व्यू तो बहुत मस्त आता है, लेकिन क्लाउडी वेदर की वजह से कुछ सन आज ठीक से देख नहीं पाए। बहुत विंड था, विंड का नॉइस तो बहुत ही आ रहा था। ये एकदम टॉप पे हूँ मैं, विजिट जरूर करना तो इस तरफ जाके देखते। मस्त जगह है, तो फोटो सेशंस के लिए भी सही है ये। अभी अंधेरा तो बहुत हो गया तो अभी निकलते हैं यहाँ से, अच्छे प्लेस को टाटा बोल देते। अंधेरे में तो कुछ ऐसा दिख रहा है, अभी स्ट्रीट लाइट नहीं है तो आपको थोड़ा संभल के नीचे उतरिए। सामने सिटी का लाइट तो बहुत मस्त दिख रहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आए, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब, आपकी सपोर्ट की गरज है। सेफ रहना, हेल्दी रहना, मिलते हैं अपन नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर।